नमस्कार। आज दिनांक 12 फरवरी 2019 दिन मंगलवार, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। भागलपुर में इस रूट की रेल पुलिस रात्रि सेवा नहीं है, खुद करें हिफाजत, रहे सावधान। से जमालपुर के बीच खासकर रात में रेल यात्रा कर रहे हैं तो जरा संभल कर, यह ट्रैक यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है, ऐसे में सुरक्षा खुद से करना होगा। आए दिन इस मार्ग पर यात्रियों के साथ रात के समय छीना झपटी, लूट, हत्याएं और डकैती घटनाएं हो रही है। विगत 2 से 4 वर्ष में 15 से अधिक लूट, छिनतई, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी है। यात्री क्यूल से अकबर नगर के बीच दहशत में रहते हैं। अगर ट्रेन में सुरक्षा की सुरक्षा बल रहते भी हैं तो यात्रियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सबसे ज्यादा असुरक्षित यात्री इस मार्ग पर हैं। यहां पर बीते कुछ साल में ट्रेनों में छिनतई और हत्या जैसी कई घटनाएं हो चुकी है। वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस को नक्सलियों का रहता है डर। इस रेलखंड में ट्रेनों में स्कॉट करने से भी नक्सली के डर से चुपचाप रहते हैं। 10 साल पहले नक्सलियों ने स्कॉट पार्टी पर हमला कर दिया और आर्म्स लूट लिए थे। इसमें जवान की मौत हो गई थी। वर्ष 2005 में कजरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस बैरक में हमला कर हथियारों की लूटपाट की गई थी। भागलपुर, अब महिला कैदी नहीं होगी अवसाद की शिकार, मेडिकल प्रोटेक्ट सन ग्रुप बनाने की तैयारी। भागलपुर, सूबे के जेलों में बंद महिला कैदियों में बढ़ रहे अवसाद को दूर भगाने के लिए कारा मुख्यालय ने जतन शुरू कर दिया है। जल्द ही सूबे के जेलों में महिला बंदियों के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन ग्रुप MPG काम करने लगेगा। यह ग्रुप रोज महिला बंदियों की दिनचर्या की निगरानी और स्वास्थ्य जांच कर मानसिक स्थिति का आकलन करेगा। तात्कालिक मिली राहत, 6 से अधिक चक्के वाले 20 टन वजन के ट्रक भी अब विक्रमशिला पुल से गुजरेंगे। ट्रक चालकों के प्रदर्शन को देखते हुए विक्रमशिला पुल पर अब 20 टन वजन वाले वाहन गुजरेंगे। पहले भी 20 टन वजन ही निर्धारित था, लेकिन सत्य यह था कि गाड़ी 6 चक्का वाला होना चाहिए, लेकिन अब 6 चक्का की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ट्रक 6 चक्का से ज्यादा का ही क्यों ना हो, लेकिन उसका वजन 20 टन ही होना चाहिए। इससे संबंधित आदेश SSP आशीष भारती ने जारी किया है। बता दें कि पूर्व में जाम के कारण SSP ने पुल पर भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया था। इस बाबत ट्रक ड्राइवर और मालिक ने DM SSP को आवेदन दिया था और भारी वाहनों का परिचालन की मांग की थी। पूर्णिया पुलिस को फिर मिली कामयाबी, म्यांमार आर्मी के 3 AK-47 मिले, 1850 राउंड गोलियां भी हुई बरामद। पूर्णिया में 2 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी मिले, 3 गिरफ्तार। सीमा पार करा लाई गई असलहों की खेप, पूर्णिया में पुलिस ने म्यांमार आर्मी की 3 AK-47 राइफल के साथ 1850 राउंड गोलियां बरामद की है। 2 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर UVGL भी मिले हैं। इन लॉन्चरों को AK-47 में सेट कर ग्रेनेड फायर किया जाता है। तस्करों ने इंटरनेशनल सिंडिकेट के जरिए हथियारों की यह खेप सीमा पार से लाई गई थी। जानकारी के अनुसार इसे सफारी में छिपाकर पश्चिम बंगाल के रास्ते भेजा जा रहा था। इसी दौरान पूर्णिया में YC के डालकोला चेक पोस्ट के पास चेकिंग के क्रम में पुलिस ने जब सफारी को रुकने का इशारा किया तो उसमें सवार लोग भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने खदेड़कर 3 को पकड़ा। फिर गाड़ी की तलाशी में विदेशी हथियारों के साथ गोलियों का जखीरा मिला। गिरफ्तार आरोपी में सूरज कुमार, पिपराइच, गोरखपुर, VR, कोहरनम व क्लियरेशंस कार्बो, दोनों मणिपुर शामिल हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए IB व अन्य सेंट्रल एजेंसियां जांच में जुट गई है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक जरूरत हुई तो NIA को भी जांच सौंपी जा सकती है। अगलपुर के पीरपैती के बाखरपुर दियारा में बॉस्की गिरोह व STF के बीच मुठभेड़, 4 गिरफ्तार। भागलपुर जिले के पीरपैती के बाखरपुर दियारा में रविवार देर रात ही पटना से आई STF की टीम ने बाखरपुर थाना पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उनके कब्जे से 3 अत्याधुनिक राइफल और 21 जिंदा कारतूस को भी जब्त कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ जारी है। भागलपुर, लाला लाजपत राय जयंती आज, दुल्हन की तरह सजा DAV, आज होगा विश्व शांति महायज्ञ। भागलपुर के DAV पब्लिक स्कूल में
आज 12 एवं 13 फरवरी को विश्व शांति के लिए 51 कुंडलीय महायज्ञ तथा आर्य महासम्मेलन का आयोजन होगा। यह जानकारी आर्य युवा समाज बिहार के प्रधान सह डीएवी पब्लिक स्कूल भागलपुर के प्राचार्य के सिन्हा ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम डीएवी के संस्थापक सदस्य रहे महान स्वतंत्रता सेनानी सह आर्य समाज के सपूत पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 155वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। रंगरा में प्रारंभ हुआ श्री श्री 108 श्री गायत्री महायज्ञ। नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत रंगरा गांव के मध्य विद्यालय के प्रांगण में श्री श्री 108 श्री गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हुआ। महायज्ञ के पहले दिन जहां कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां महिलाओं के जत्था द्वारा 1001 कलश की स्थापना की गई। इस यज्ञ के आयोजक मुखिया नवीन कुमार, पंचायत समिति दिवाकर सिंह, अरुण चौधरी, मोहन चौधरी, मुकेश मोदी, संजय मोदी, जोगिंदर भगत, अनिल चौधरी, युवा कार्यकर्ता सोनू, शुभम, राहुल सहित कई दर्जन लोग उपस्थित थे। यह एक सामूहिक यज्ञ है। गांव के शांति एवं युवाओं को सही मार्गदर्शन के उद्देश्य किया जा रहा है। उक्त जानकारी रंगरा के प्रियतोष सिंह ने दी। रायनपुर, युवाओं ने रोकी मोटरसाइकिल, कहा हेलमेट लगाकर चले, आप हेलमेट में नहीं है इसलिए आपके लिए यह लाल गुलाब। नौगछिया पुलिस जिला के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के बैनर तले राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक कुमार गौरव एवं अजय रविदास के संयुक्त नेतृत्व में NH 31 नारायणपुर चौक पर बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले को गुलाब का फूल भेंट किया। साथ ही मौके पर लोगों को जागरूकता के लिए कहा गया। कई लोगों को हेलमेट के बारे में उपयोगिता भी बताई गई। नवगछिया, एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए कई हजार रुपए। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी निवासी रुदल रजक के खाते से ठगों ने 80,000 रुपए की निकासी कर ली है। उनके खाते से एटीएम के माध्यम से पैसे की निकासी की गई है। उचक्कों ने पहले रुदल रजक का एटीएम कार्ड बदला, उसके बाद उसके खाते से पैसे की निकासी की। इस बाबत पीड़ित ने नौगछिया थाने में लिखित आवेदन भी दिया है, जिसमें उन्होंने नौगछिया स्टेशन के पास स्थित IDBI बैंक के एटीएम कार्ड पर एटीएम के कार्ड बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आवेदन में दिया है कि 8 फरवरी को स्टेशन के पास वाले एटीएम से दो बार 10,000 रुपए की निकासी की गई थी। उस समय गार्ड के अलावा वहां कोई नहीं था, उन्होंने ही मौका पाकर मेरा एटीएम कार्ड बदला और पैसे की निकासी की। उन्होंने आवेदन में दिया है कि 10 फरवरी की रात्रि को सिल्लीगुड़ी के एटीएम से 12:05 पर पहले 40,000 और उसके बाद 20,000 रुपए की निकासी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि ना तो उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया है, ना ही उन्होंने अपना OTP या कोई पासवर्ड किसी को जानकारी में दी है। वहीं पुलिस जांच कर रही है। नौगछिया के भवानीपुर में आयोजित दंगल में विपिन को पटकनी देते हुए करण ने लहराया अपना परचम। नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर सरस्वती मेला के अवसर पर 3 दिवसीय दंगल का आगाज हो चुका है। दंगल का उद्घाटन भूतपूर्व मुखिया योगेंद्र यादव, मुखिया दीपक कुमार शर्मा एवं बनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध यादव ने संयुक्त रूप से किया। भवानीपुर कटेरिया एवं क्षेत्रीय पहलवानों से दंगल परिसर भरा रहा। कटेरिया के पहलवान करण कुमार ने भवानीपुर के विपिन यादव को पटकनी देते हुए अपना परचम लहराया। वहीं कई पहलवानों ने अपने बाजुओं की आजमाइश पूरे जोर शोर से की। दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। दर्शक बार बार बजरंगबली के नारे से पहलवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ मेला समिति के मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने बताया कि भवानीपुर में आयोजित सरस्वती मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर मां सरस्वती के दर्शन किए। प्रतिमा का विसर्जन बुधवार को किया जाएगा। नवगछिया, युवा जदयू की बैठक में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को लेकर चर्चा। नवगछिया जिला संगठन की बैठक जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल के आवास पर गोला टोला कदवा में हुई। जदयू की इस बैठक की अध्यक्षता युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल ने की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाकाम में होने वाली जदयू की प्रमंडलीय स्तरीय सम्मेलन की तिथि में बदलाव कर 25 फरवरी के जगह अब 28 फरवरी को कर दी गई है। इस सम्मेलन में नौगछिया युवा जदयू के कार्यकर्ता अधिक से अधिक की संख्या में भाग लेंगे। सरस्वती पूजा पर दिन भर
बजते रहे भक्ति गाने, कई स्थलों पर हुई पूजा, वहीं कई स्थानों की प्रतिमा का विसर्जन हुआ प्रारंभ। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में बिठाई गई प्रतिमा मां शारदे सरस्वती की पूजा अर्चना दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं कई विद्यालय संस्था द्वारा प्रतिमा का विसर्जन भी प्रारंभ कर दिया गया। इसी बीच आवासीय द्रौपदी शिक्षा निकेतन अनुमंडलीय अस्पताल के सामने में प्रथम वर्ग के छात्र द्वारा एक आकर्षक कुटिया बनाया गया। व्यवस्थापक रणवीर कश्यप द्वारा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से अधिक लोगों ने मां सरस्वती का प्रसाद प्राप्त किया, बच्चों की सजावट की काफी प्रशंसा की। वहीं अनुमंडल के कई विद्यालय जैसे सावित्री पब्लिक, बाल भारती सहित कई विद्यालयों के मां सरस्वती की प्रतिमा को नौगछिया के स्थानीय पोखर में विसर्जित कर दिया गया। वहीं कई क्लब व संस्था में प्रतिमा का विसर्जन आज मंगलवार से कल बुधवार तक हो जाएगा। वर्तमान में चारों तरफ मां शारदे की भक्ति से पूरा तरह से भक्तिमय माहौल हो गया है।